पता है बहुत बहुत करम हो गया अल्लाह का, बहुत करम हो गया भाई, शुक्र अदा करो वरना मेरे कफन दफन का बंदोबस्त कर रहे होते इस वक्त तुम। अब्बा अगर किसी ने कफन पहना तो वो तुम थोड़ी होगे, वो होगा तुम्हारा दुश्मन। हाँ, और इस बात का तो मैं वो हजर करूंगा, बल्कि जिंदा कर दूंगा मैं इसे, और छुपकली के साथ मैं वो करूंगा, पूरा महल्ला देखेगा अब्बा। हाँ कसीरे, छोड़ना नहीं इनको भाई, बता रहा हूँ मैं। अरे अब्बा तुम ना भी बोलो ना, तब भी छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं उन्हें, हशर पूरा कर दूंगा मैं उनका। अब इन औरतों को समझाना ही पड़ेगा बहुत कुछ। अरे अब्बा फिक्र नहीं करो, तुमने बोल दिया ना, अब ना वो निशान नहीं मिलेगा उनका। यही बस यही समझ गया तुम, जो होना था वो हो गया अम्मा। उस वक्त अंकल मुश्ताक ने एक फैसला किया था और उस फैसले से महनाज ने इनकार नहीं किया। साकिब दरअसल महनाज को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, अगर होती ना तो वो शादी से इनकार कर देती। वो सीधी सादी लड़की है अम्मी, बल्कि उसको तो दुनिया की हवा ही नहीं लगी। और ये तीनों बहनें ही अच्छी हैं। मुझे नहीं लगता कि महनाज इनकार कर सकती थी। अच्छा ज्यादा तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बताओ कि वहाँ पे तुम्हें खाने पीने में तो कोई मुश्किल नहीं हो रही है ना? नहीं अम्मी, मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है, लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा मुश्ताक तो अब रहा नहीं, ये मुझे बताओ कि अखराजात कैसे चल रहे हैं? चले ही जाते हैं अम्मा, वैसे भी मैंने उनसे पूछा नहीं और अच्छा भी नहीं लगता ना इस तरह उनसे ये सवाल करना। अच्छा उनको पैसे वैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? अम्मी ये खुददार लोग हैं, मुझसे पैसे मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कि घर में सब कैसे हैं? आपा का फोन आया था, बच्चे कैसे हैं और इफ्तिखार भाई कैसे हैं?